द ट्रक ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन पलवल ने एडीसी के फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रक चालकों से एक कर्मचारी पर मोटी रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। आरोपों में कहा गया कि एडीसी कम आरटीए सेक्रेटरी अंजू चौधरी के कार्यालय का एक नवीन कुमार नाम का कर्मचारी अपने खास आदमी के जरिए चालान काटने के नाम पर अवैध वसूली करता है। उन्होंने बताया कि पहले तो विभाग को 30 से 40 लाख रुपए का रेवेन्यू आ रहा था, लेकिन अब ये रेवेन्यू घटकर 3 से 4 महीने में सिर्फ और सिर्फ 6 से 7 लाख रह गया है। एसोसिएशन ने आरोप लगाते हुए कहा कि 17 अप्रैल को मंडकोला के पास दो गाड़ियों को ओवरलोडेड होने के मामले में पकड़ा गया, लेकिन उनका चालान काटने के बजाय उनके डॉक्यूमेंट लेकर अधिकारी चले गए। डॉक्यूमेंट लेकर आए एडीसी कम आरटीए सेक्रेटरी ऑफिस के एक कर्मचारी ने उन्हें 18 अप्रैल को बुलाया और दोनों से 20-20 हजार रुपए की मांग की। वहीं रुपए नहीं देने के एवज में एक ट्रक का चालान एडीसी कम आरटीए सेक्रेटरी अंजू चौधरी के फर्जी हस्ताक्षर कर 41 हजार रुपए का काट दिया गया, तो वहीं दूसरे ट्रक मालिक को 14,500 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। वहीं एडीसी दफ्तर से नवीन नामक कर्मचारी एडीसी के फर्जी हस्ताक्षर कर ट्रक चालकों का चालान करता है और इसी के इशारे पर रिश्वत लेने का काम भी किया जाता है। बहरहाल अब देखना होगा कि एसोसिएशन की ओर से एक नवीन कुमार का एम्प्लॉई है जिसके खिलाफ पहले भी बहुत विवाद रहे हैं, सुनने में आया, अब भी ये शिकायत हमारी उसी के खिलाफ है। गाड़ी छोड़ने के पैसे लिए, हमने तुरंत ही शिकायत करी कि उस दिन छुट्टी थी तो किसी विजिलेंस से कहीं हम शिकायत नहीं कर पाए। तुरंत हमने एडीसी को मतलब आरटी चार्ज होने के इंचार्ज होने के तौर पर शिकायत करी, तो एडीसी मैडम ने हमें बुलाया, लेकिन एडीसी मैडम ने भी अगले दिन हम कल जाके मिले हैं, उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पे था कि शिकायत विड्रॉ करो, नहीं तो मैं कंप्लेंट करने वाले को भी हवालात में डलवाऊंगी। तो भ्रष्टाचार की शिकायत करना भी जुर्म है, हम झेल लेंगे, लेकिन आप एक्शन करो। वो आदमी एसी में बिठा रखा है आराम से, जिसने रिश्वत ली, सारे प्रमाण है, सब कुछ है। अब ये कि अब वो प्रमाण मिटा दिए जाए तो एक अलग बात। 15,000 रुपये उसने 20,000 मांगे थे, 15,000 में उसने दबाव दिया गाड़ी वाले को, गाड़ी वाले की माली हालत थी, उसको कई तरह से दबाव दे के 15,000 रुपये दिए। 500 का नोट है जिनकी फ़ोटो मैंने पहले खींच ली थी, अपने तौर पर हमने जितनी कोशिश हुई करी। 15,000 रुपए लिए हैं, 15,000 लेके उसका बैग दे दिए। जो ये संगीन मुद्दा उठाया गया है, इस पर विभाग क्या कार्रवाई अमल में लाता है? सत्य खबर के लिए पलवल से मुकेश की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, दबाइए ये सब्सक्राइब का बटन और पाइए देश प्रदेश की हर खबर।